दोस्तों वीवो का सब ब्रांड IQ इंडिया में जल्द ही अपना अगला स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकता है। फिलहाल IQ अपनी नई सीरीज IQ 5 को चाइना में 17 अगस्त को लॉन्च करने वाला है। वहीं कंपनी लॉन्च इवेंट के दौरान IQ 5 BMW एडिशन को भी लॉन्च कर सकती है। साथ ही कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करके इस बात का संकेत दिया है कि अगला स्मार्टफोन जल्द ही इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, जो कि 120 वाट फास्ट चार्जिंग तकनीक से लैस है, जैसा कि हमें Xiaomi के Mi 10 अल्ट्रा स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। हालांकि ऑफिशियली लीक से पता चला है कि Xiaomi अपने इस फ्लैगशिप फोन को इंडिया में लॉन्च नहीं करेगी, लेकिन IQ अपना अगला स्मार्टफोन जल्द ही इंडिया में लॉन्च करने वाली है, क्योंकि खुद IQ ने अपने ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है जिसमें हिंट्स मिला है कि IQ 5 जल्द ही इंडिया में एंट्री कर सकता है। हालांकि टीजर पोस्टर में फोन के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। वहीं ट्वीट में कंपनी ने #ड्राइव परफॉर्मेंस का इस्तेमाल किया है, जिसके साथ कमिंग सून देखने को मिल जाता है। दोस्तों IQ 5 की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 6.56 इंच की फुल HD प्लस का सैमसंग कर्व AMOLED डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है, जो कि पंच होल के साथ आता है। इस फोन के लेफ्ट साइड में पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इसकी डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट से लैस है। इसके अलावा IQ 5 स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 SoC चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। साथ में LPDDR5 RAM और UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही कंपनी इसके प्रो वेरिएंट को भी लॉन्च करेगी, जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा और इस कैमरे सेटअप में पेरिस्कोप जूम लेंस भी देखने को मिल जाएंगे। हालांकि IQ 5 के कैमरे सेटअप के बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है। दोस्तों IQ 5 में 120 वाट की फास्ट चार्जिंग तकनीक को लेकर ये दावा किया गया है कि इसमें 4000 mAh की बैटरी वाले स्मार्टफोन को 5 मिनट में 0 से 50% तक बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। वहीं 15 मिनट में स्मार्टफोन की बैटरी फुल चार्ज हो सकती है। वैसे IQ 5 में मिलने वाली बैटरी को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके अलावा IQ 5 की इंडिया प्राइस की बात करें तो इसे लगभग 50,000 रुपए के प्राइस में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसकी लॉन्च डेट को लेकर कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि लीक हुए टीजर को देखिए तो इस फोन को जल्द ही इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और शायद इस फोन को अगस्त लास्ट वीक या फिर सेप्टेम्बर में लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।